हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक करदाहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिक्कों पर बने हुए इस तरह के निशान का क्या मतलब होता है। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे बहुत से भ्रामक वीडियो देखे होंगे। वीडियो तो नहीं दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि ऐसे थंबनेल लगा के रखे हैं लोगों ने कि इस तरह के कॉइंस लाखों में बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मात्र एक प्रकार का चिन्ह है जो इसलिए अंकित किया जाता है कि सिक्कों को पहचाना जा सके कि ये सिक्का कहाँ का बनाया हुआ है या ये सिक्का किस जगह से मिंट किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मिंट मार्क है। अभी के समय में इंडिया में सिर्फ चार तरह के मिंट मार्क वाले कॉइन्स चलते हैं दोस्तों, कैलकटा मिंट, हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, नोएडा मिंट। अगर सिक्के के सन के नीचे कोई भी निशान नहीं दिया गया है दोस्तों, तो वह सिक्का कैलकटा में बनाया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि सिक्का कैलकटा से मिंटेड है। आगे हम बात करते हैं हैदराबाद मिंट की। दोस्तों, जिन सिक्कों के सन के नीचे आप स्टार का मार्क देखते हैं, वो सिक्के हैदराबाद मिंटेड होते हैं या हैदराबाद में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम मुंबई मिंट की। दोस्तों, जिन सिक्कों के सन के नीचे आप डायमंड का निशान देखते हैं, वो सिक्के मुंबई से मिंटेड होते हैं, मुंबई में बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नोएडा या दिल्ली मिंट की। अगर सिक्कों के सन के नीचे छोटा सा डॉट दिया गया है दोस्तों, तो वो सिक्के नोएडा मिंटेड हैं। ऐसे सिक्कों का निर्माण नोएडा या दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, कुछ लोग इंटरनेट पर भ्रामक बातें फैलाते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यह सिर्फ एक प्रकार की मार्किंग है। यह इसलिए की जाती है ताकि ये पहचाना जा सके कि ये सिक्के कहाँ के बनाए हुए हैं। आज के लिए आपके साथ इतनी ही बात शेयर करनी थी दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कॉइन और करेंसी से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।